उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में खाद्य विभाग के द्वारा एक दवाई की फैक्ट्री पर छापामार कार्यवाही की गई। छापामार कार्यवाही में विभागीय अधिकारियों को अनियमितता मिलने पर उसे सील कर दिया गया। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक फैक्ट्री में विटामिन की टेबलेट बनाई जा रही थी, जिन पर मैन्युफैक्चरिंग डेट गलत छापी जा रही थी, तो वही कंपनी भी गलत एड्रेस पर चल रही थी, जिसके बाद अधिकारियों ने फैक्ट्री को सील कर दिया और दवाइयों के नमूने लेकर जाँच के लिए लैब भेज दिया गया है। दरअसल मामला जनपद मुरादाबाद के थाना मंजुला क्षेत्र अंतर्गत मिलन विहार का है, जहां पर एक दवाई की फैक्ट्री संचालित थी। विभागीय अधिकारियों के द्वारा फैक्ट्री पर छापामार कार्यवाही की गई। विभागीय अधिकारियों की जांच में फैक्ट्री का एड्रेस पर फर्जी तरीके से चलाई जा रही थी, तो वहीं दवाइयों पर भी गलत मैन्युफैक्चरिंग डेट छापी जा रही थी। दवाइयों पर मई 2020 की जगह 2019 दर्शाया जा रहा था। विभागीय अधिकारियों ने जांच के बाद बन रही दवाइयों के सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए लैब में भेज दिया गया है, तो वही फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि जब तक जांच के सैंपल नहीं आ जाते तब तक फैक्ट्री को सील रखा जाएगा। इसमें एक मेडिसिन की एक फैक्ट्री है, तो क्या सर इसमें मिला है यहाँ पे और क्या कार्रवाई यहाँ पे की गई? जगह मिलन बिहार है, आज में यहाँ सूचना मिली थी, स्वास्थ्य केडर्स के नाम से कंपनी है, जिसके मालिक श्री राकेश गर्ग जी है, और यहाँ पे फूड सप्लीमेंट्स बनाया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मल्टीविटामिन, वाइटल टाइम और गैसेस की सारी दवाइयाँ यहाँ पे बनाई जा रही है। हम उसके हम लोग के जितनी भी दवाइयाँ हैं जाँच की नमूना लेकर आगे टाइम की जाँच करा रहे हैं, तब तक के लिए इनके प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया जाएगा, ये इसको सील नहीं कर पाएंगे, और जैसे ही जाँच आती है अगर जाँच सर यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो जनवरी 2020 के नाम